चलिए अपन एक्सेल ओपन कर लेते हैं। अपना यहाँ तक हो गया था, यहाँ तक हमने बता दिया था फॉर्मेट तक, ठीक। अब इसके बाद अगला आपका आता है सॉर्ट एंड फिल्टर, ठीक है। ये भी हमने बता दिया था, इसमें कुछ ऑप्शंस रह गए थे। हम यहाँ से ओपन पर जा रहे हैं, अपन अपनी कल जो मार्क्स शीट सेव की थी अपन ने वो ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये अपन ने सीट, ये अपनी नहीं है, फिर से अपन जा रहे हैं ओपन पर, और यहाँ से हम 2 से 3 एक्सेल सीट ओपन कर रहे हैं। ये इसमें अपन होम टैब में, यहाँ पे आपका सॉर्ट एंड फिल्टर हम आपको बता रहे थे। इसमें आपको अगर A to Z में सॉर्ट करना है या फिर Z to A में सॉर्ट करना है, जैसा भी आपको करना है, ये हमने आपको कल बता दिया था, आ गया था समझ में, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कस्टम सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आता है। इसमें कस्टम का मतलब क्या होता है, आप अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, ठीक है। आपने, आप यहाँ पर देख रहे हैं सॉर्ट बाय, सॉर्ट ऑन और ऑर्डर। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारे जो भी हेडिंग्स हेडिंग्स हमने इसमें दी है, कौन कौन सी हेडिंग दी है, ये हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत और टोटल परसेंटेज, वो सभी हमें यहाँ पर शो कर रही है, करा रही है। अब जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया टोटल वाला, ठीक है, टोटल वाला हमने सेलेक्ट किया, तो टोटल वाले में हमें किसके अकॉर्डिंग जो है सॉर्ट करना है, मतलब किसके अकॉर्डिंग उसको जमाना है। तो उसके लिए आप वैल्यूज के अकॉर्डिंग जमाना चाहते हैं, सेल कलर के अकॉर्डिंग जमाना चाहते हैं, फॉन्ट कलर के अकॉर्डिंग जमाना चाहते हैं, सेल आइकन के अकॉर्डिंग जमाना चाहते हैं, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है या फिर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है। क्या हुआ, समझ में आया, ठीक है। अभी हम इसको क्लोज करना, जैसे कि हम यहाँ से रोल नंबर वाला कॉलम ले लेते हैं, ठीक है। हमने इन दोनों में क्या किया, इसमें हमने येलो कलर किया हुआ है, ठीक है, और इसमें भी हमने येलो कलर किया हुआ है, और इसमें भी हमने येलो कलर किया हुआ। इस वाले सेल में हमने ये रेड कलर किया हुआ है, इस वाले सेल में भी हमने रेड कलर किया है, और इस सेल में भी हमने रेड कलर किया है। इसके बाद और दूसरे सेल्स में हमने, किसी में हमने ग्रीन किया है, किसी में हमने कोई अदर कलर किया है, ठीक है, और 2 सेल हमारे नॉर्मल है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से सॉर्ट एंड कस्टम सॉर्ट में जा रहे हैं, ठीक है। कस्टम सॉर्ट में जाने के बाद यहाँ से आप सिलेक्ट करो कौन सा है, ये रोल नंबर, तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे रोल नंबर, ठीक है। अब यहाँ से किसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, वैल्यू के अकॉर्डिंग, यानी कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको आपको ऊपर करना है, उससे छोटी उससे छोटी, इस तरह से करना है, या फिर सेल में जो कलर है, सेल के अंदर जो कलर आपने दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको जमाना है, या फिर फॉन्ट कलर यानी कि ये जो अपन ने लिखा है उसमें जो कलर है उसके अकॉर्डिंग जमाना है। अपन यहाँ से क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, सेल कलर, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं 3 कलर आ रहे हैं आपके सामने, जो 3 कलर अपन ने इसमें लिए हुए। आप क्या चाहते हैं कि ये जो येलो कलर वाला है वो सबसे ऊपर आना चाहिए, तो आपने यहाँ से येलो कलर सिलेक्ट किया। इसमें आ रहा है ऑन टॉप और ऑन बॉटम। अगर आप ऑन बॉटम करेंगे तो क्या होगा, येलो कलर सबसे नीचे आएगा, और अगर आप यहाँ से करेंगे ऑन टॉप और ओके, तो आप देखिए येलो कलर सबसे ऊपर आएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको अपने अकॉर्डिंग सॉर्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हम आपको एक बार और बताते हैं, हम यहाँ पर जा रहे हैं कस्टम सॉर्ट पर जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हमने सेल कलर सिलेक्ट किया ही है, यहाँ से हम कलर सिलेक्ट कर रहे हैं ग्रीन, और इसको हम कहाँ रखना चाहते हैं, ऊपर, और ओके कर देते हैं। आप देख रहे हैं ग्रीन कलर ऊपर आ गया, ठीक है। हाँ, जो जो जिसमें भी ग्रीन कलर किया हुआ है वो सब ऊपर आ जाएंगे ऑन टॉप में, ठीक है। और इसके अलावा अगर इनके अंदर कलर होता, जैसे फॉन्ट के अंदर कलर होता उसके अकॉर्डिंग आप जमाना चाहते हैं तो वो जमा सकते हैं, कर लेंगे, आ जाएगा, ठीक। तो ये रहता है कस्टम सॉर्ट। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है आपका फिल्टर का। फिल्टर वाला ऑप्शन अभी हम आपको नहीं बता रहे, हम आपको ये वाला आगे बताएंगे, या फिर हम आपको बता देते हैं। देखिए आप फिल्टर पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप फिल्टर पर क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं, आप हंसिए मत, हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप बोल रहे थे कि बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए, ठीक है। देखिए जैसे ही आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया, यहाँ पर हमने फिल्टर पर क्लिक किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक कुछ आ गया, ये बटन टाइप की आ गई। जब आप इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं आपके सामने वही ऑप्शन आ रहा है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट,
और यहाँ से आ रहा है सॉर्ट बाय कलर, कलर के अकॉर्डिंग आपको सॉर्ट करना है। जैसे हमें रेड कलर वाले ऊपर चाहिए, ओके करेंगे, आप देखेंगे रेड कलर वाले ऊपर आ गए, क्लिक हमारा यहाँ पर है, हमने फिल्टर यहाँ लगाया, यहाँ लगाना था इसलिए वो इसमें नहीं ले रहा है। ठीक है, आया समझ में? हमें सॉर्ट करना है मतलब फिल्टर लगाना। फिल्टर का मतलब क्या होता है कि आपको किसी चीजों मतलब कोई बहुत बड़ी चीज है उसमें से आपको कोई चीजें छांटनी है, उसको अपन बोलते हैं फिल्टर। ठीक है, इसको हम डिटेल्स में आपको आगे बताएंगे। अभी आपको अगर जैसे इस तरह का आ जाता है उसको हटाना है, तो उसके लिए आप इसी ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन आता है क्लियर। ठीक है, आप यहाँ से क्लियर पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से ये फिल्टर हट जाएगा। फिल्टर हटाना है तो उसके लिए आपको फिल्टर हटाना पड़ेगा, ये फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाले जो फिल्टर वाले ऑप्शन है हम आपको आगे बताएंगे। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है फाइंड का, फाइंड वाले ऑप्शन, फाइंड रिप्लेस गो टू अपन ने एमएस वर्ड में भी पढ़े, तो वही ऑप्शन है, बस इनमें थोड़ा सा चेंजेस कर दिया गया। हम यहाँ से फाइंड पर क्लिक कर रहे हैं, आपके सामने डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें आपको फाइंड और रिप्लेस दो ऑप्शन मिलेंगे। आप आपके कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एफ दबाओगे तब भी फाइंड वाला ऑप्शन आ जाएगा, आप कंट्रोल के साथ एच दबाओगे तो रिप्लेस वाला ऑप्शन आएगा। ठीक है, कंट्रोल के साथ एफ दबाते हो तो फाइंड आता है, कंट्रोल के साथ आप एच दबाते हो तो रिप्लेस आता है, इनकी शॉर्टकट की है। ठीक है, अभी हम फाइंड पर जा रहे हैं। जैसे कि आपको कोई चीज फाइंड करनी है, कोई वर्ड फाइंड करना है या फिर जो भी फाइंड करना है, आप यहाँ पर वो लिखोगे। ठीक है, और यहाँ से आपको ऑप्शन मिलते हैं दो, एक मिलता है ऑल और एक मिलता है फाइंड नेक्स्ट। अगर आप फाइंड नेक्स्ट करते हैं तो ये एक एक जगह आपको ढूंढ ढूंढ कर देगा, ये इस तरह से दे रहा है ढूंढ के। ठीक है, और अगर आप फाइंड ऑल करेंगे तो एक साथ दे देगा। ठीक है, एक साथ फाइंड कर देगा आपके सामने, इस तरह से ये लिस्ट दे देगा। ठीक है, जहां जहां आपने लिखा है, अब इनमें से आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सीट भी बता रहा है किस नाम से है, किस वाली सीट के अंदर है, मतलब अपने पास बहुत सारी सीट है, एक मार्कशीट है, ये की नाइन्थ मार्कशीट है, ये सब है, लेकिन किस सीट के अंदर है उसके अंदर ही बता रहा है। ठीक है, अब आपको कौन से वाले पर जाना है, आप क्या करेंगे, सेल एड्रेस भी बता रहे हैं यहाँ पर, सेल एड्रेस इस पर जाना है, ये डायरेक्ट आपको इस पर पहुंचा देगा, जिस भी उस पर जाना है आप डायरेक्ट जा सकते हैं। ठीक है, आए समझ में? कर लेंगे, फाइंड ऑल करेंगे तब ये वाला ऑप्शन आएगा, फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो एक एक फाइंड कर करके देगा वो। क्लियर है? जैसे कि अलग अलग जगहों पर आपने ये नाम लिखा हुआ है या फिर कुछ भी लिखा हुआ है तो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। फिर से हम कंट्रोल एफ कर रहे हैं, अब इसके बाद अगला ऑप्शन आता है रिप्लेस। ठीक है, कंट्रोल के साथ आप एच प्रेस करेंगे तो आ जाता है। अब जैसे कि आपको यहाँ पर कोई चीज रिप्लेस करनी है, आपको लग रहा है कि हमने एक कोई जगह पर कुछ गलत नाम लिख दिया है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है राज, गलत लिख दिया है, तो आप फाइन वर्ड में वो नाम लिखेंगे जो आप रिप्लेस करना चाहते हैं, और यहाँ पर रिप्लेस विथ में आप वो नाम लिखेंगे जो इसके मतलब इसकी जगह पर आप लिखना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर ये लिखा था राज, इसकी स्पेलिंग हमने गलत लिखी थी, हम यहाँ पर आर डबल ए जे लिखना चाहते थे। ठीक है, यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलता है फाइंड, आप चाहे तो यहाँ पे फाइंड करके देख सकते हैं कहाँ कहाँ लिखा है, एक ही जगह लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर आपको रिप्लेस करना है तो रिप्लेस के भी आपके पास दो ऑप्शन मिलते हैं, रिप्लेस ऑल और रिप्लेस। अगर रिप्लेस करेंगे तो एक एक जगह पर रिप्लेस करेगा, और रिप्लेस ऑल कर देंगे तो एक साथ सभी जगह पर वो रिप्लेस कर देगा। अपन यहाँ से ओके करेंगे, बता रहा है ऑल डन बी मेड वन रिप्लेसमेंट। ठीक है, ओके कर देंगे, कर लेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है यहाँ पर रिप्लेस का, वही ऑप्शन है फाइंड और रिप्लेस। ठीक है, इनकी शॉर्टकट कीज आपको याद रखनी है। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है गो टू, गो टू ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आता है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पर इसका सीरियल नंबर, जैसे कि हम बहुत नीचे है या बहुत ऊपर है, गो टू की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, कंट्रोल के साथ जी। आप यहाँ पर कोई सेल नंबर डालते हो, जैसे कि हमें जाना है सेल नंबर B5 में, और हम यहाँ से ओके करते हैं तो आप देखेंगे कि इसने हमें B5 सेल में पहुंचा दी, ये इसमें ऑटोमेटिक बोले गया। जैसे कि हमें यहाँ पर आना है, इसका सेल एड्रेस क्या है, C7, कंट्रोल के साथ जी करेंगे, यहाँ पर हम प्रेस करेंगे क्या, सी